आज उपस्थित यहाँ पे तमाम जितने भी हमारे माँ शेरावाली से प्यार करने वाले, हम सभी कलाकारों से प्यार करने वाले तमाम अतिथिगण जितने भी उपस्थित हैं, हमारे गार्जियन जितने उपस्थित हैं, आप सबको, आप सबकी अपने निशा उपाध्याय की तरफ से मैं यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। एक ताली बजा के अपना आशीर्वाद दे दीजिए। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है निशा के लिए, एक छोटी सी कलाकार, एक छोटी सी बिटिया, एक छोटी सी गांव से रहने वाली लड़की को आप सभी ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया कि आज फिर से दोबारा मुझे बैंकॉक में आने का मौका मिला। और आज इस बार मैं पहली बार बैंकॉक आई हूँ। हर बार कमेटी की चाहत होती थी लेकिन विष्णु भगवान की बुलाहट नहीं होता था इस विष्णु मंदिर में, लेकिन आज विष्णु मंदिर की कमेटी के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी के परिश्रम से ये मेरा सौभाग्य हुआ कि आज आप सभी का, विष्णु भगवान के साथ साथ आप सभी का भी दर्शन करने का मौका मिला। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को देती हूँ। और काफ़ी हमें भी इंतज़ार था कि कब मैं आपको भजन सुनाऊँ और थोड़ी सी तालियां बजा करके आशीर्वाद फिर अपने इंडिया लेकर के जाऊँ। तो आइए सीधा सीधा चलते माँ के भजनों में, जिस भजन को आप सबने YouTube के माध्यम से करोड़ों व्यूज दिया, 50-50 मिलियन, 500 मिलियन व्यूज दिया। एक भक्त माँ के दरबार में जाता है, माँ से कहता है कि माँ मैं एक ऐसा अबोध बालक हूँ कि मैं हर रोज आपके मंदिर आता हूँ, रोज हाजिरी लगाता हूँ, लेकिन मैया आपका ध्यान है तो कहाँ है। बड़ी प्यार से भक्त अपनी मैया से निहोरा करता है और एक ही बात कहता है, क्या कि धोती तोहरी मंदिरिया, कि हाथवा खी ले हो कि धोती तोहरी मंदिरिया, कि हाथवा कि दया तो हराई ले हो बाहे, कितना बोनाही काहे मैया। इतना कठोर यदि माँ बन जाए तो आप क्या करेंगे? माँ को गुस्सा ही छोड़ दीजिएगा कि मनाइएगा? माँ को मनाएंगे या गुस्सा ही छोड़ देंगे? थोड़ी आवाजें आनी चाहिए, अरे थोड़ी आवाजें आनी चाहिए। बोलिए भाई कि मनाएंगे या गुस्सा छोड़ देंगे? मनाएंगे ना। कैसे मनाएंगे यदि माँ नाराज हो जाए तो? आपके पास ऑप्शन क्या है माँ को मनाने के लिए बताइए? ताली बजाएंगे, जयकारे लगाएंगे, मेरे साथ गाएंगे, करेंगे ना जी? तो कौन कौन ताली बजाने के लिए तैयार है माँ को मनाने के लिए? माँ नाराज है, यहाँ पे जितने भी कमेटी के लोग हैं ना, थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि माँ ने आपसे नाराज हो गई, आपने जो मांगा माँ से माँ ने नहीं दिया, तो आपको बस माँ से मनाना है कि माँ इस छोटे से अबोध बालक को आप माफ कर दो मैया, एक बुलाहट है, विनती है, आ जाओ दरबार पे मैया। और प्यार से भक्त अपनी माँ को बुलाता और कहता है क्या, 1, 2, 3, 4 तोहरी मंदिरिया, हाथवा खियाई ले हो आए, धोवत
अच्छा किन किन के हाथों में पावर है जरा हाथ उठा करके दिखाइएगा। ऐसा तो नहीं किसी के पास हाथ भगवान ने नहीं दिया हो। कहते हैं कि माँ के दरबार में वही भक्त सुपर होता है, माँ के दरबार में वही भक्त सुपर होता है जिन भक्तों का दोनों हाथ। तो कौन कौन अपने आप को सुपर मानते हैं जरा हाथ उठा करके दिखा दीजिए। कहते हैं कि जिसने किया शर्म उसका फूटे करम। सोच लीजिए फिर इंडिया जाना पड़ेगा। इतना अच्छा बैंकॉक में आके कमा खा रहे हैं, हाथ उठा के तालियां बजा लीजिए और करोड़पति हो जाइए आप लोग। किता बुना ही काहे मैया दया तुहरा है ले हो आए। किता बुना ही काहे मैया दया तुहरा है ले हो आए। किता बुना ही कहाँ पिला मलू हो कहाँ बिलमलू हो जी भवानी मई या कहाँ बिलमलू हो। ये कितना अच्छा नाच रही है देखिए। सारा आशीर्वाद आपकी यही लेके चली जाएंगे, सोच लीजिएगा इनको जाना भी नहीं यही रह जाएंगे। कि कहाँ बिलमलू हो भवानी मैया कहाँ बिलमलू हो। आपने लगाया तो कहाँ लगाया मैया। माँ कहती कि अच्छा तुम बेटा होकर के मुझसे सवाल पूछते हो, तुम्हारी तरह देखो दरबार में कितने सारे बेटे आए हैं, सबकी मुरादें पूरी करनी होती है बेटा। मैं बताती हूँ तुम पूछ रहे हो तो कि मैंने देर लगाया तो कहाँ लगाया। और माँ पूछती ये तो दिल जीत ली है मेरा जी, क्या कहे। बहुत बहुत धन्यवाद दिया प्यार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई जितना प्यार बहुत बहुत धन्यवाद। किया बता में रहनी रे किससे वक्का अंधारा फटैले रे, ऐसे वक्का ऐसे वक्का आँखा दे बत भइल देर हो तोहरी भजनिया होठवा झुरैले हो आए। गवती गवती तोहरी
ट्रेडिशनल गाने हैं, सबको याद होगा। निमिया के डार मैया किन किन को याद है? जो प्रसाद खा रही है माताएं बहन उनको भी याद होगा, है ना जी? याद तो जरा मेरे साथ गाएंगे आप लोग, बोलिए हाँ या ना। गाएंगे ना तो मेरे साथ। अबे भैया निमिया के डाढ़ी मैया किला बेली झूलू बाकी झूली रे झूल। अच्छा पहले हम देखते हैं कि जेंट्स पार्टी अच्छा गाते हैं कि लेडीज पार्टी अच्छा गाता है, ठीक? पहले किसको देखा जाए, आप लोगों को कि इन लोगों को? पहले जेंट्स पार्टी को कि लेडीज पार्टी को? जेंट्स लोगों को। आप लोग तैयार है जी? सोच लीजिए। महाभारत रामायण में सुपनेखा का नाक कटा था, आपका नहीं कटना चाहिए। नहीं ना कटेगा? गाएंगे ना तो मैं नीचे आ सकती हूँ क्या, यदि कमेटी के आदेश हो तो? ऐसे हाथ उठा करके थोड़ा सा हमको बता दीजिए कौन कौन यहाँ से गाने के लिए तैयार है। हे भगवान, तब पक्का लेडीज ही जीतेंगी, इन लोगों में दम नहीं लग रहा। हाथ उठाइए ना पूरा पूरा। चिन्नी मिया के दाढ़ी मैया किला बिल एक दो का आया, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी। अच्छा गोरखपुर से कौन कौन है, जरा हाथ उठा करके बताएंगे। इतने लोग हैं गोरखपुर से, फिर भी आप लोगों में ताली नहीं बज रहा है। ऐसे होगा तो कैसे चलेगा? कहते हैं ना कि गोरखपुर के हो आ गोरखपुर के। अरे पहले हाथ, जो खाली गोरखपुर के हैं वो जरा हाथ उठाइए, खाली जो गोरखपुर के हैं वो हाथ उठाइएगा। हाथ नीचे मत करिएगा जब तक हम कहेंगे नहीं। कैमरे वाले भाई, ओ कैमरे वाले भाई, ये भाई यहाँ का भाषा भी मुझे नहीं आता है, खाली हमको सबड्डी खा भाषा आता है, बस प्रणाम कर सकती हूँ, सबड्डी खा के बाद नहीं आता मुझे। थोड़ा आप ही लोग कैमरे वाले को बोलिए ना कि इधर करें, थोड़ा सा उधर करवा ले, घुमा लीजिए आप लोग अपने, थोड़ा यहाँ के थाईलैंड वाले भाषा में उधर बता दीजिए। भाई हम कैसे बोले उनको, भैया आप ही बोल दीजिए ना। साउंड हेलो कौन नहीं वीडियो थाई थाई जाइ भाई जल्दी जाइ। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए पूरा पूरा। जो गोरखपुर के भाई हाथ उठाइएगा, जो अपने आप को मानते हो कि भाई यूपी वाले हैं हम, ऐसे थोड़ी है, तो जरा हाथ उठा करके कि गोरखपुर के हो आ गोरखपुर के। जैसे बोलूंगी नाम तो ताली बजा के दिखाना है कि तन ताली बजावा गोरखपुर के, तन ताली बजावा ताली, तन ताली बजावा गोरखपुर के, तन ताली। ए धीरे, अच्छा लगा भी आपको? ताली सुनाई दिया इन लोगों का? महकमा में बोलिए ना, नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया। गोरखपुर में ताली ऐसे बजता है क्या जी? ऐसे बजता है ताली? अरे ऐसे तो चिपड़ी पठाता है, चिपड़ी समझते हैं ना, जब हवन सामग्री वाली चीजें, मैं भी पंडित जी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो हाथ उठाइए ना, गोरखपुर वाली ताली बजानी है सभी को, जो गोरखपुर वाले हैं। मताई बहन आप भी उठा लीजिए, कोई बात नहीं, आप भी उठा लीजिए इधर से। अब मिल के सुनाइए, हमको सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा मैं ऊंचा सुनती हूँ, थोड़ा सा ध्यान आप लोग मेरे अपने तरफ मेरा ध्यान लगाइएगा। जी गोरखपुर के हो बजाइए ना। ये रुको भाई, इतना में इतना ही मिलता है, बस होल्ड, थोड़ा ताली बजा के दिखाइए कैसे बजाते हैं। अरे रुकना नहीं था भाई, पक्का कल 2 kg वेट सबकी कम हो जाएगी, देख लीजिएगा। यही होता है जब आप जाइएगा ना,
तो वेट कम होने का सबसे अच्छा था ना जी। तो एक बार फिर से कि गोरखपुर के हो गोरखपुर के, गोरखपुर के हो गोरखपुर के, ताली बजाओ गोरखपुर के। इधर आइएगा भाभी, आइए आइए। अच्छा डांस करने किन किन को आता है? माता के भजन में खड़ा होने किन किन को आता है? भजन में आप लोग खड़ा होती है कि बैठ के भजन सुनती हैं? खड़ा होती है ना, तो एक बार खड़ा होकर के थोड़ा सा, जिनको माँ से प्यार होगा उनको माँ की सौगंध, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हाँ थोड़ा सा खड़े होकर के। गोरखपुर के हो गोरखपुर के, तनी भजन में नाची गोरखपुर के, तनी ताली बजाए गोरख, ताली बजाते हुए तनी ताली बजाए गोरखपुर, गोरखपुर के हो रई 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 हो, गोरखपुर के हो गोरखपुर के, गोरखपुर के हो गोरखपुर के। बोलिए सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, तनि ताली बजाओ गोरखपुर के, तनि ताली बजाओ गोरखपुर के। मैया के चुनरी हो बहुते हो नामी, बहुते हा नामी हो, बहुते हा नामी, बहुते हो नामी हा, बहुते हम मान। मैया की चुनरी तो बहुते हनामी, बहुते हनामी, रउो तमानी जी हम हो तमानी, रउो तमानी, रउो जी मानी तो हम हो तमानी, रउो तम। गोरखपुर के वो रई 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 रई, गोरखपुर के वो गोरखपुर के, गोरखपुर के वो गोरखपुर के। अच्छा कौन कौन कंजूस भक्त हैं गोरखपुर के, जरा वो हाथ उठाएंगे। अच्छा आप कंजूस हैं? हे भगवान, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हमने बोला भजन में कंजूस कौन है, जरा हाथ उठाइए, तो सब लोग उठा रहे हैं। हम किसी चीज में पीछे नहीं होना है, कंजूस हैं आप लोग? अच्छा दिलदार भक्त कौन कौन है, जरा हाथ उठा करके बताइए। इतना ही दिलदार है, बाकी सब कंजूसे हैं जी, सब कंजूस हैं। कि चुपचाप बैठला से कुछ ना होई, कि चुपचाप बैठला से कुछ ना होई, कि जब ले ताली ना बजेबा माई खुश ना होई। अरे अभी तो ताली बजा लीजिए, हाथ तो उठा लीजिए थोड़ा थोड़ा। कि चुपचाप बैठला से कुछ ना होई, चुपचाप बैठला से कुछ ना होई, जब ले ताली ना, जब ले ताली ना बजे बमाई खुश ना होई, जब ले ताली ना बजे बमाई खुश ना, जब ले ताली ना बजे बमाई खुश ना होई। जब रे बजई बताली माई से रवाली के, जब रे बजई बताली माई से रवाली के, शेर पे सवार होके आई है से रवाली के, जब रे बजई बताली माई से रवाली के, शेर पे सवार होके आई है से रवाली के।
चुप जा बैठला से कुछ ना होई, चुप जा बैठला से कुछ ना होई। जब ले ताली ना बजे माई खुश ना होई, जब ले ताली ना बजे माई खुश ना होई। ललकी चुनरिया हो माई शेरवाली के, ललकी चुनरिया हो माई शेरवाली के। तू जय करा तो लगल मैया काली के, ललकी चुनरिया तो माई शेरवाली के। तू जय करा लगल शेरवाली के। सच्चे दरबार की माँ के प्यार की डूबा है आज माँ के प्यार में सारी ये दुनिया की। जो भी आते हैं मैया ताली ना बजे माई खुश ना हो, ताली ना बजे माई खुश ना हो। जब ले ताली ना बजे माई खुश ना हो, जब ले ताली ना बजे माई खुश ना हो, जब ले ताली ना बजे माई खुश ना हो, जब ले ताली ना बजे माई खुश ना हो। कि जब ले ताली ना बजे माई खुश ना हो। बोलिए सच्चे दरबार की माँ के प्यार की, यहाँ बैठे भक्त की दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई जितना मैंने सोचा था उससे लाख गुना करोड़ गुना ज़्यादा आप सभी ने आशीर्वाद प्यार दिया। और कभी भी कोई नया कलाकार नए जगह पे जाए और आप सबका जब प्यार मिल जाता है ना, तब समझ में आता है कि भाई हमने क्या कमाया है। और वाकई आप सभी ने जितना प्यार आशीर्वाद निशा को दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, श्री रामचंद्र भगवान जी से कौन कौन प्यार करता है? सब करते हैं ना, मैं भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो एक बार श्री रामचंद्र भगवान जी के लिए हाथ उठा लीजिए दोनों, पूरा पूरा। कहते हैं कि दूध में चावल डालने से खीर बनती है, दूध में चावल डालने से खीर बनती है। और विष्णु मंदिर में हो रहे भजनों पर ताली बजाने पर भक्तों की तकदीर बनती है। तो जरा उठाइए दोनों हाथ को और मेरे साथ बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आइए एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच में श्री रामचंद्र भगवान जी का, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी भक्त हूँ हनुमान जी का, और उन्हीं की शक्ति है जो आप सबके प्यार आशीर्वाद के कारण लगातार कार्यक्रम करूँ। आवाजें बच जाती है लेकिन फिर भी भगवान हनुमान जी शक्ति दे देते हैं। और कहना है क्या, छाती चीर के हनुमान ने कि छाती चीर के हनुमान ने कि दिखा दियो श्री राम कि मेरे मन में बसे हैं राम, कि मेरे तन में बसे हैं राम, कि मेरे मन में बसे हैं राम, कि मेरे तन में बसे हैं राम। किन किन के सीने में श्री राम जी बैठे हैं?
बसते हैं, जरा एक बार हाथ उठा करके मेरे साथ एक बार पूरा पूरे बताएं। बहन आप लोग बड़ी कंजूसी कर रही है, ये लोग जीत जा रहे हैं आप हार जा रही हैं। उठाइए पूरे पूरे हाथ को मेरे साथ में, और बस श्री रामचंद्र भगवान जी के लिए ताली नहीं भी बजा पाए तो बस ऐसे हाथ दोनों हाथों को जोड़ करके रखिएगा कि लगे कि भगवान के दरबार में है हम लोग। कि छाती चीर के हनुमान ने, अब आप बोलिएगा कि मेरे मन में बसे, आपको बोलना मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, ना कि कोई काम, ठीक, एक ही काम बसे, बस राम का नाम बसा है, ठीक। कि मेरे मन में बसे दिल में श्री राम बसे, एक बार उठाइए हाथ को और बोलिए कि मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो सुनवानी है जरा मेरे साथ बोलेंगे। मेरी तो पुकार सुन लिया भगवान ने, मैं विष्णु मंदिर आ गई बैंकॉक में, कमेटी की आशीर्वादे रही, माता का आशीर्वाद और साथ ही साथ हनुमान जी का आशीर्वाद। आपकी भी कोई मुरादे हो तो एक बार दोनों हाथों को ऐसे जोड़िए मेरे साथ, एक बार सभी लोग दोनों हाथ को ऐसे एक बार जोड़ लीजिए, दसों उंगलियों को एक साथ ऐसे सभी लोग, जिनको भगवान ने माता रानी ने दोनों उंगली दोनों हाथ दिया है तो दसों उंगलियों को एक साथ ऐसे मेरे साथ जोड़िए। हम म्यूजिशियन को नहीं बोल सकते, नहीं तो ये भी रुक जाएंगे, आपको छोड़ के, इनको छोड़ के जितने लोग भक्त, एक बार ऐसे हाथों को जोड़ लीजिए और मन में जो भी इच्छा होगी आपकी एक बार हनुमान जी से बोलना है कि हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो इनकी पुकार, मैया सीता बड़ी प्रसन्न थी, दरबार सजा हुआ था श्री रामचंद्र भगवान जी का। माता सीता ने एक मोतियों का हार हनुमान जी को अपने बनाया, हनुमान जी ने मोती के हार को तोड़ दिया। माँ थोड़ी सी गुस्सा हुई, बोली अरे बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, ये मोती का माला ऐसे तुम क्यों तोड़ रहे हो। हनुमान जी ने कहा माँ ये मोती का माला, इसमें तो मेरे श्री रामचंद्र भगवान मेरे प्रभु का तो कहीं फोटो ही नहीं है, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहे मेरे। तो माँ कहती कि अच्छा इतना प्यार करती हो अपने प्रभु से, तो कहते हैं क्या, जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु ना एका, जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु ना एका, जिस वस्तु में जी।
नाम सुमिरन से समुंदर पार गए हनुमान। जब मैया सीता को इतना बलशाली रावण जब लेकर के गया था, हनुमान जी और राम जी के पास कोई उपाय नहीं बच पा रहा था। हनुमान जी को जाना था समुद्र पार करके मैया सीता को ढूंढने के लिए, और सब सोच में पड़े थे कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। लेकिन कहते हैं कि जब आपकी भक्ति सच्ची हो तो हर मुश्किल काम आपकी अच्छी हो जाती है। और बस प्रभु का नाम हनुमान जी ने लिया श्री राम जी का, और नौका पार करके और माँ सीता को ढूंढ के लाते और कहते हैं राम नाम सुमिरन से समुंदर पार गए हनुमान। राम नाम सुमिरन से समुंदर पार गए हनुमान। राम नाम दरबार में चलना चाहता है, जरा उठाइए दोनों हाथ को। जब हनुमान जी जा सकते हैं तो एक समय पे हम भी इंसान हनुमान ही थे ना जी, तो बताइए हनुमान जी श्री राम जी कितने बड़े भक्त हैं, हम क्यों नहीं हो सकते है ना जी। मन सच्चा हो तो हम भी भगवान को पा सकते हैं, तो जरा उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ को और कहिए कि राम नाम सुमी रन से समुंदर पार गए हनुमान। कि राम नाम सुमिरन से समुंदर पार गए हनुमान। कि राम नाम सुमिरन से समुंदर कि पार गए हनुमान। ये राम जी का अंतिम भजन है, थोड़ी सी तालियां बजा लीजिएगा जिन जिन के दिल में श्री रामचंद्र भगवान जी बसते हो मेरे साथ। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं ओ ओ ओ तालियां। मेरे मन में बसे हैं राम सिया राम सिया। मेरे मन में बसे दिखा दिया श्री राम कि मेरे मन में बसे हैं राम कि मेरे तन में बसे हैं राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, पवन शुद्ध हनुमान की। और भजन अच्छा लगा हो तो एक ताली बजा के अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे निशा उपाध्याय जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।